देखो आवाज आ रही है आपको अब आवाज आ रही है बताना मुझे कंफर्म करना बोलो 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 जरा बोलो आ रही आवाज बोलो हाँ हाँ ये नॉट ऑडिबल अरे भैया ऑडिबल हो गया होगा चलो भाई तो फिर से बोल देते हैं हम एक बार है ना जो हमने अभी स्टार्ट किया था हमने बोला हाँ बिल्कुल तो फिर से बोल देते हैं हेलो एंड वेलकम एवरीवन स्वागत है आपका फ्लोरी की इस प्यारी सी क्लास में और मेरा जो सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट है वो यही है फ्लोरी ठीक है जिसमें मुझे पढ़ना अच्छा लगता है ठीक है मास्टर ना हुई है लेकिन पढ़ना अच्छा लगता है तो कुछ क्वेश्चन कुछ 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 करवाऊंगा तो कुछ कुछ फिर मैं वैकेंसी दे, दे, जाती है तो स्पेशल इस इसके लिए क्लास भी प्लान करूंगा ताकि आपको फ्लोर कल्चर में पढ़ने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा कि यार नहीं यार बोरिंग नहीं है मस्त सब्जेक्ट है ठीक है थोड़ा सा आज हम सॉल्व करेंगे और फिर हम क्वेश्चन पर मूव आउट करेंगे ठीक है और इनके आगे आपको और फोर्टी कल्चर क्लास अगर चाहिए होंगी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक है जिससे मैं और भी क्लास आपको देना स्टार्ट करूंगा ठीक है ये थोड़ा सा जनरिक है थोड़ा सा रहेगा डोंट वरी तो शुरुआत करते हैं एक और बात है जो आपको कमेंट में ऐप का लिंक दिख रहा होगा ऐप को को लिंक वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा कमेंट से तो आप कहां पर जाएंगे मेरी कम्युनिटी में जाएंगे जैसे आप जब डाउनलोड करोगे ना ऊपर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे गवर्नमेंट जॉब फिर एग्रीकल्चर तो आपको कम्युनिटी में एक्सप्लोर ग्रुप में जाओगे कहां पर एक्सप्लोर ग्रुप में तो आपको हॉर्टिकल्चर कहा आकाशन मिलेगा ऐसे एक्सपोर करके हार्टिकल्चर वाई आकाशन फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पर कुछ पीडीएफ है कुछ बच्चे टारगेट सेंड करते रहते हैं आप भी अपना टारगेट अपना कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं

क्वेश्चन है रोज गार्डन इज लोकेटेड अब एक गार्डन का नाम गार्डन लोकेटेड है चंडीगढ़ में जयपुर में जम्मू में प्रदेश में थीके? गुलाब जो है गार्डन ठीक है रोज गार्डन कहां पर स्थित है यह पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है तो हम आज जो करेंगे आठ दस क्वेश्चन करेंगे पूछे क्वेश्चन करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और फिर हम लोग इसकी कुछ फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करेंगे यार फोरी का मतलब क्या होता है जैसे कि मैंने

14 होते हैं आपसे पूछ सकता है जो गुलाब होता है इसे इसे बोलते क्या है तो क्वीन ऑफ ऑफ फ्लावर फ्लावर बोल देते हैं अब कि आपने किंग भी गुलाब को देखा होगा अगर आप गूगल पर डालोगे तो किंग ऑफ फ्लावर क्वीन ऑफ फ्लावर दोनों गुलाब ही दिखा देगा दोनों दो दिखा देगा ठीक है एग्जाम में क्या लगाना है देखो क्वीन ऑफ फ्लावर गुलाब है किंग ऑफ फ्लावर क्या है डहलिया है ठीक है दोनों याद रखिएगा क्वीन ऑफ फ्लावर क्या है गुलाब है किंग ऑफ फ्लावर क्या है डहलिया है अगर आपके एग्जाम में आ गया और चार ऑप्शन हुए और उसमें पूछा गया आ, किंग ऑफ फ्लावर और गु, आपका गुलाब हुआ कार्नेशन हुआ ग्लडियोस हुआ कैनिथम हुआ डेहरी ऑप्शन में नहीं हुआ

होती है बताइए हां और आज एग्जाम के नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हर एग्जाम में कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं फर्स्ट कल्टीवर ऑफ रोज रिलीज बाय द डॉक्टर बीपी पाल इन 1962 रोज सरमते दुल्हन अरुण महक बताइए हाँ बोलो भैया फटाफट फटाफट बोला करो तेजी से बोला करो ठीक है ओके आंसर कर रहा है बराबर ये क्वेश्चन 15 15 20 20 मिनट के सेशन होते हैं 15 मिनट के अंदर रैपिड फायर क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं ताकि जनरलिक्स भी आपका आपके काम का हो आंसर कर जाएगा आपका रोज सरबता तो रोज सरबता जो है ये पहली वैरायटी है जो डॉक्टर बीपी पाल के द्वारा रिलीज की गई डॉक्टर बीपी पाल कौन है इन्हें फादर ऑफ रोज बोल देते हैं गुलाब के पिताश्री किन्हें बोलते हैं तो फादर ऑफ रोज कौन है वो आपके डॉक्टर बीपी पाल हैं डॉक्टर बीपी पाल पहले कौन थे आईसीएआर के

रक्तगंधा का स्टेम लॉन्ग नहीं होता ये भी कट फ्लावर है पर इसका स्टेम जो है लॉन्ग नहीं होता जिसके बाद अगले डॉक्टर होमी भाभा ठीक है ये डीडीए के भी काफी इंपॉर्टेंट है आगे मोस्ट ऑफ द कल्टीवर क्लाजिंथम ये क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं बहुत बच्चे इसके अंदर गलत करते हैं और

जमीन uh, की तरफ क्या हो जाता है वो आपका झुक uh, जाता है उसे क्या होता है जियो बेंडिंग बोल देते हैं तो विच ऑफ द्लावर सेंसिटिव टू जियो ट्रॉपिक बेंडिंग जियो ट्रॉपिक बेंडिंग के लिए कौन सा फ्लावर बहुत सेंसिटिव होता है ग्लेडियोलस रोज ठीक अच्छा है कार्नेशन या मेरी गोल्ड अच्छा बताइए दो प्रकार का होता है एक फ्रेंच मेरी गोल्ड एक अफ्रीकन मेरीगोल्ड ठीक है तो अफ्रीकन मेरीगोल्ड की बात करेंगे तो टेक्टस इरेक्टा इसका साइंटिफिक नेम होता है ठीक क्या होता है टेक्टस इरेक्टा जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है और टेक्टस पटूला जो होता है वो किसका होता है वो आपके

इसके क्या आगे देखो अगला क्वेश्चन रोज फ्रूट टाइप ये भी क्वेश्चन बहुत कम्प्लीट में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आज सभी क्वेश्चन मैंने सात आठ दस क्वेश्चन जो भी रखे बहुत क्लियर कट रखे इसी वेस पे मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों का

दर्शनीय एक इंपॉर्टेंट प्रजाति है रोज ग्लेडियोलस कार्नेशन या वेरी गुड बताइए प्रीदर्शनी इंपॉर्टेंट वराइटी है ठीक है रोज ग्लेडियोलस कार्नेशन वेरी गुड अब एक बात बताओ मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी भाई देखो ग्लेडियोलस से कई क्वेश्चन बनते हैं ठीक है आपके दिमाग में भी बनेंगे तो हमने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि मेरी एक दोस्त थी उसका नाम सोमा था है ना, ना प्रभा था है ना वो उसकी प्यारे उसके दर्शन पूरी क्लास को बहुत प्रिय थे एक दिन मैं ब्लू स्काई के नीचे बैठा हुआ था ऐसी मोरनी जैसी चलती हुई आई थी हमारे बीच में हम लोग गजल सुन रहे थे वो हंटिंग सॉन्ग सुन रही थी आप अपनी झगड़ा हो गया हम आप ब्रेकअप हो गया ठीक है कुछ दिनों बाद हम उससे मिलने गए हर मदस्टी मिलने गए चॉकलेट दिया आप कौन सी मिलोडी चॉकलेट और दोस्ती का फ्रेंडशिप का हैप्पी एंड कर दिया एक छोटी सी तुमको कहानी सुनाई थी अगर तुम्हें तो याद हो हाँ बिल्कुल उसके बाद ऑस्कर फ्रेंडशिप का ऑस्कर अवार्ड दिया गया छोटी सी कहानी सुनाई थी अगर आपको याद हो तो आपको बताइएगा कि कितने लोगों को याद थी ठीक तो है तो प्रदर्शनी जो है किसकी प्रजाति बेटा वो ग्लेडियोलस की प्रजाति है इनके अलावा बताऊँ

एकदम क्लियर एकदम बहुत तेजी का लाइक बटन में प्रेस कर दिया भाई दस मिनट के अंदर ठीक है चलो ये आपके भाई भाई साहब बिल्कुल स्पीड के अंदर दस, दस मिनट मैंने सोचा था मिनट ज्यादा हो गए पर कोई बात नहीं ठीक है दो मिनट ज्यादा हो गए और अगर आपको फिर छोटे छोटे सेशन और भी आपको चाहिए तो जरूर तो बताना कमेंट के अंदर से छोटे छोटे सेशन और लाया करो जो पंद्रह मिनट के देखो रात को आठ बजे मैं डेली क्लास लेता हूं अगर आपको अच्छी क्लास करनी है तो रात को आठ बजे आपको आया करो आगाज क्लास में रिविजन करवाऊंगा वहां में वहां भी करवाऊंगा डोंट वरी पर स्पेशल सेशन लाऊंगा पंद्रह पंद्रह मिनट के जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे तो जो बाद में देखते हैं वो रात को आठ वाली क्लास आगे आज में जरूर आए ठीक है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से आईपीएस एफओ का फाउंडेशन बैच प्री और मेंस 16 मई से स्टार्ट हो चुका है अगर मेरे से सिर्फ 40 कट बनना चाहते हो तो आगाज 4.0 में एनरोल कर सकते हो ठीक है इनके एनरोल करने के लिए आपको जो इस्तेमाल करना है वो आप आपके लिए कूपन कोड है ठीक है डिस्काउंट कोड है वो है Y612A Y612 का आप इस्तेमाल करना है आपको इस पर डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा क्लियर एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छा कैसे इनरोल करना है सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना है, कमेंट से ऐप को डाउनलोड करना है और मेरी कम्युनिटी हॉटिकतवाई आकाश को फॉलो कर लेना है ठीक है चलिए आप यहां पर गए आपने सर्च किया अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आपने कमेंट से ऐप को डाउनलोड कर लिया डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर पहुंचे बाबू पहुंचने का आप ऑल कोर्सेज में गए ऑल कोर्सेज में

निन्यानवे दिखा रहा होगा आपको क्या करना है वाई नाप क्लिक करना है कूपन कोड अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है वाई छह सौ बारह जैसे वाई छह सौ बारह अप्लाई करोगे इस पर आपको प्रॉपर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा क्लियर तरीके से हाँ वैकेंसी बता रही अगर आएंगे तो आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा ये, और ये अगर आपको उड़ान आगाज संकल्प

आ, और जितने बच्चे जो हैं डीडीए के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर सिर्फ डीडीए के लिए वो भी कमेंट बताएंगे सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डीडीए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डीडीए मैं सभी के कमेंट को रिप्लाई करूंगा और इसके लिए और भी सेशन लाऊंगा ठीक है और भी सेशन लाऊंगा डोंट वरी ठीक है तो कमेंट लाइएगा क्लास कैसी लगी अच्छे तरीके से ताकि मैं और भी सेशन आपके लिए प्लान करूँ ठीक है अपनी टीम को बोलकर अपना ख्याल रखिएगा जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा रात को आठ बजे स्पेशल क्लास होती है उस उसमें मिलते हैं आपसे रात को आठ बजे आगाज क्लास में ठीक है हाँ जो जी हाँ डी डे वैक्सी में भी आ जाए मे भी अभी बहुत क्लियर नहीं है दो तीन तारीख को क्लियर हो जाएगी डी डे वैक्सी आ रही नहीं आ रही है फिर भी अगर आप प्रिप्रेस करें तो मुझे कमेंट बताइएगा और ये तो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम इसलिए मैंने स्पेशल डी डे क्वेश्चन नहीं रखे कि अगर वैकेंसी नहीं आती तो आप लोग परेशान ना हो ये मैंने ऑल ओवर रखे तो ऑल ओवर फोरकल्चर आपकी मदद करेगी अपना ख्याल लगेगा लव यू ऑल जय हिंद राधे राधे